हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं, चैप्टर हमारा 12 है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे इसको। तो मैं बात करने वाला हूँ आज चैप्टर 12, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को हम बोल सकते हैं करंट। और अगर मैं करंट को डिफाइन करना चाहता हूं तो करंट को क्या लिखूंगा? करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब चार्ज कैसे एक कंडक्टर में से फ्लो कर सकता है, एक कंडक्टर में से या एक सर्किट में से कैसे चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको मैं बोलूंगा क्या? करंट। सो करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर और सर्किट। किसी भी कंडक्टर में से या किसी भी सर्किट में से कैसे हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? करंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल आई से। तो आई को मैं क्या लिखूंगा? दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज हमारा फ्लो कर गया एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, दैट इज कॉल्ड करंट। अब जो मैंने बात करनी है वो बात करनी है इस चार्ज की। तो मेरा चार्ज क्या है? कहता है कि ये वो क्वांटिटी है जो मेरे को इफेक्ट बताएगी। कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। कैसे पता चलेगा? कि अगर मेरे पास चार्ज होगा तो ही मेरे को पता चलेगा कि क्या अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन हो रही है। क्या अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन हो रही है किसके बीच में? किसी भी एक सिस्टम में किसी की दूसरी सिस्टम के साथ, किसी भी एक सिस्टम में किसी दूसरे सिस्टम के साथ अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन हो रही है, वो मुझे कौन बताता है? चार्ज बताता है। या फिर मैं बोल सकता हूं इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में जो हमें बताता है ऑफ अ सर्किट। सर्किट का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें बताएगी? वो बताएगा चार्ज। जो वो फिजिकल क्वांटिटी जो मेरे को बताएगी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट किसका? सर्किट का, उसको मैं क्या बोलूंगा? चार्ज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। तो अब जब मैं चार्ज को डिफाइन कर चुका हूं, जब मैं करंट को डिफाइन कर चुका हूं और मेरे को पता है टाइम को मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो व्हाट विल बी माय करंट? करंट I will be equals to Q by T. तो करंट का जो मेरा फॉर्मूला ऑब्टेन होगा, that is I is equals to Q by T. तो हमने क्या पढ़ा? करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर और सर्किट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। I is equals to charge upon time. चार्ज क्या है? कहता है ये वो क्वांटिटी है, यहां ये वो क्वांटिटी है जो बताएगी हमें, इट इज अ क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी है जो हमें किसके बारे में बताएगी? कहता है कि इफेक्ट के बारे में बताएगी। कौन से इफेक्ट के बारे में बताएगी? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में बताएगी। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैसा हो सकता है? यहां तो अट्रैक्शन हो, यहां क्या हो? रिपल्शन। ठीक है, तो मैंने कहा ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मेरे को बताएगी किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ अ सर्किट के बारे में। या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट किसी भी एक सर्किट के अंदर का इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा उसके बारे में कौन बताएगा? चार्ज। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। तो यहां से मेरा जो करंट डिफाइन हुआ, दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसके बाद हमने जो भी चार्ज डिस्कस किया है, ये फॉर्मूला हम लिखा रहने देंगे। अब मैं बात करूंगा चार्ज के बारे में। चार्ज हमारा कितने टाइप का होता है? चार्ज, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। एक तो होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज।
इनके बीच में जो फोर्स काम करती है उसको मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स तभी काम करेगी जब हमारे पास चार्ज होगा। अगर मेरे पास चार्ज नहीं है तो ये फोर्स काम नहीं करेगी। चलो, पॉजिटिव चार्ज कहां से आएगा, ड्यू टू कैटायंस, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। ये हमारे कैटायंस की वजह से जो चार्ज ऑब्टेन हुआ है उसको मैं बोलता हूं पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू एनायंस, जैसे कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ये चार्ज है, ये किस तरह का चार्ज हो सकता है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पीशी के ऊपर आएगा, स्पीशी एक्वायर करेगी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा देन स्पीशी विल एक्वायर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और एक जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। एक्चुअल में जब हमारा करंट फ्लो करता है तो हमें इन चार्जेस की नीड नहीं होती, ठीक है, हमें इन चार्जेस की नीड नहीं होती कि भैया एन पॉजिटिव का चार्ज चाहिए कि वो के पॉजिटिव का चार्ज चाहिए। बट मैंने आपको बताया है, दिस इज ऑल अवर केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री से आया सारे का सारा, कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। अब आपको पता है कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कैटायंस, जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज एनायन, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। अब इनकी चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। नंबर टू, इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। नंबर थ्री, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस हमारे रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस हमारे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कहते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना हम इसको क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस हमारे करते हैं रिपेल, अनलाइक चार्जेस हमारे करते हैं अट्रैक्ट। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट है दैट इज कूलम। तो ऐसे यूनिट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम से। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं इसमें, करंट हमारे पास हमें पता लग गया कि I equals to Q by T होता है, चार्ज हमें पता है वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मेरे को किस किस के बारे में बताएगी, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में बारे में बताएगी कि क्या जो हमारा सर्किट है उसके अंदर अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, या कभी भी कहीं पर भी चार्ज प्रेजेंट है तो उसके बीच में लगती है एक फोर्स जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और उस फोर्स की वजह से ही यहां तो हमारी अट्रैक्शन होती है, यहां हमारी क्या होती है, रिपल्शन होती है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की और हमने कहा कि जो चार्ज की ऐसी यूनिट होती है दैट इज व्हाट, दैट इज कूलम। अब मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, ये एक मेरे पास वायर है। अब आपको पता नहीं है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, हमें नहीं पता इसके अंदर कितना चार्ज। तो अगर चार्ज निकालना है वो डिपेंड करेगा
कितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे पता चलेगा हमारे पास कितना चार्ज अवेलेबल है, कितना चार्ज नहीं है। जो ये पूरे का पूरा वायर में चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ वायर, किसी भी वायर में टोटल चार्ज निकालना है या हमें देखना है टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ कंडक्टर हमारा किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दो जो हमारा टोटल चार्ज है किसी भी एक वायर के अंदर या किसी भी एक कंडक्टर के अंदर, वो किसके इक्वल होता है, कहता प्रोडक्ट होता है वो किसका, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो मैंने कहा टोटल चार्ज क्यू जो है वो हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज। ये मेरा सिस्टम, किसी भी सिस्टम का क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि Q मेरा किसके इक्वल आ गया, N into E, where N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जो E की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो यहां से हम किसी भी सिस्टम का क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज जो भी उस सिस्टम के अंदर पूरे का पूरा प्रेजेंट होगा, दैट इज क्यू इक्वल्स टू एन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बात करी करंट के बारे में, करंट के बारे में हमने लिखा कि आई जो है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिर हमने चार्ज के बारे में बात करी कि हमारे पास चार्ज क्या है, कहता दो तरह का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर हमने बात करी कि अगर मेरे को किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने उसके अंदर प्रेजेंट है, इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मेरे जो फॉर्मूले निकले, आई था मेरा क्यू अपॉन डी के इक्वल, एंड क्यू इक्वल्स टू किसके है, एनी। तो यहां से मैं आई को भी लिख सकता हूं एनी अपॉन डी, हम यहां से भी सीधा इसको सॉल्व कर सकते। तो वी आर गेटिंग, वी हैव डिस्कस थ्री फॉर्मूलास, फॉर्मूला वन, फॉर्मूला टू एंड फॉर्मूला थ्री, ठीक है, ओके। नाउ करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पीयर। एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पीयर। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू ऑपोजिट और इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी चीज के बारे में भी मेरे को पता लग गया कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी क्या होगी, कहता है हमेशा ऑपोजिट होगी किसके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और एसआई यूनिट जो होती है करंट की वो होती है एम्पियर, डायरेक्शन जो होती है करंट की वो हम चलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हमने कहा जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होगी किसके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं क्या चीज है। तो अब हमारा जाकर करंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ है।
जिसमें हमने इसकी यूनिट्स भी डिस्कस की हैं और हमने ये चीज भी डिस्कस की है कि इसकी डायरेक्शन कैसे हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो ये जो मेरी डायरेक्शन है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, लेकिन जो इसकी उल्टी डायरेक्शन है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक है मेरी करंट की डायरेक्शन और एक है मेरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। तो अब देखो आप, करंट मेरा जा रहा है लेफ्ट से राइट या पॉजिटिव से किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन पता है तो आप ऑटोमेटिकली उससे क्या निकाल सकते हो, करंट के फ्लो की डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने क्या सीखा, हमने कहा करंट क्या है, कहता है जी करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला पॉइंट। हमने कहा चार्ज क्या है, कहता है चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमें पता चलता है कि क्या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हमारा सर्किट देगा, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चार्ज कितने तरह का, दो तरह का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, हम थोड़ा केमिस्ट्री में गए, हमने कहा पॉजिटिव चार्ज आता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, लॉस होगा पॉजिटिव चार्ज, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और अगर हमें पूरे सिस्टम का चार्ज निकालना है तो हमें उसके क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द टोटल चार्ज एंड देन द वैल्यू ऑफ करंट विल बी I इक्वल्स टू Ne बाय T। फिर हमने करंट को कहा कि करंट की ऐसा यूनिट होती है हमारी एम्पियर। करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और हमने कहा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके लिए हमने एग्जांपल किया कि अगर हमें किसी सिस्टम में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता है, उसकी डायरेक्शन का पता है, तो उसकी ऑपोजिट जो डायरेक्शन लेंगे दैट विल बी करंट। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट।